राजधानी रायपुर से आगजनी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंडरी थाना परिसर में जब्त कर रखे गए गाड़ियों में अचानक आग लग गई है। वहीं आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया है और तुरंत आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर दमकल की टीम पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि थाना में जब्त गाड़ियों में अचानक आग लग गई है, जिसमें करीबन दर्जनों गाड़ी जलकर खाक हो गई है। वही थाना स्टाफ समेत दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आगजनी का कारण अज्ञात है। पटरी थाना के बगल में जो पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, जो चौकी हुआ करती थी, उस बिल्डिंग से लगी हुई सारी जो गाड़ियाँ वो रखी हुई है। उसमें जोन ऑफिस से लगी हुई जो दीवार है उसके पास जो गाड़ियाँ रखी हुई थी, आज उसका अचानक आग लग जाने के कारण ये घटना घटी हुई है। और पहले तो आपने इसे बुझाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया, लेकिन आग जो है तो बड़ी तेज़ी से फैल रही थी। फायर ब्रिगेड की खबर मिली, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। 8-10 गाड़ियाँ हैं जो जली हैं, जो हालांकि गाड़ियाँ पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी थी और उसका अभी तक कोई पेमेंट आया भी नहीं है। तो बहुत काफ़ी पुराने समय से वहाँ पर रखी हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि चलने वाली सड़क है और जोन के पास जो पेड़ हैं उसके सूखे पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं, घर भी कटाई है, तो रास्ता चलते गया है तो किसी के गिरी या सीधे किसी के द्वारा फेंका गया हो, फिर उसके माध्यम से आज जो है वो लग गई, क्योंकि सारे सर्किट की वहाँ पर ऐसी कोई आशंका दिखती नहीं है। तो इस पर आज के दिन कायम करने के बाद, इस पर जाँच करने के बाद ही जो वास्तविक तथ्य को सामने आ पाए और फिलहाल आज पर काबू पा लिया गया।